पाकिस्तान में आखिर इंसानी जान की कदर कब होगी? आज हम 2022 में जी रहे हैं, लेकिन ऐसे कई इलाका जात पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे बेसिक सहूलियात लोगों को फराहम नहीं है। उसमें फायर ब्रिगेड की सर्विस हो, एम्बुलेंस अस्पताल की सर्विस हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट गवर्नेंस हो। हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं दादू के गांव फैज मोहम्मद चांडियों में अफसोसनाक आग लगने के हादसे के बारे में। इस हादसे में अचानक एकदम जब आग गांव में लग गई तो काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। 9 अफराद जहां बहक हुए, 160 मवेशी जानवर जल के राख हो गए, उसके साथ ही साथ 50 घर जल गए। इतना ज्यादा नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि रेस्क्यू सर्विसेज वहां पे वक्त पे नहीं पहुंच सकी थी। वक्त पे इसलिए नहीं पहुंच सकी थी क्योंकि उस इलाके में दूर दूर तक इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी। अब इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो सैकड़ों लोग उस आग में जल के जख्मी हुए थे उनको हस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सिंध हुकूमत, जहाँ पे पीपल्स पार्टी सालों से 15 सालों से सिंध हुकूमत इस सूबे में गवर्नमेंट बनाए बैठी है और फेडरल में हमेशा जो भी हुकूमत होती है उसको क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे होती है, लेकिन वो खुद अपने सूबे में उन्होंने क्या किया है? जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो अपने सूबे के गांव तक वो पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। सीएम सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है कि जी वहाँ पे फायर ब्रिगेड होनी चाहिए थी, वहाँ पे अस्पताल होना चाहिए था, पर आखिर ये अस्पताल कौन बनाएगा, ये सहूलियात उनको फराहम कौन करेगा? ये सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ा फेलियर है जो सामने आया है। इस वक्त फैज मोहम्मद चांडियो गांव में लोगों के पास घर नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन उनकी मदद के लिए उनके वहाँ की आवाम का ये कहना है कि उनकी मदद के लिए वहाँ की हुकूमत से कोई भी नहीं आ रहा है, ना किसी ने रब्ता किया है। इस सब के दौरान फेडरल गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया है कि वो इस गांव के लिए रिलीफ के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जारी कर रहे हैं, लेकिन जो जाने हमने गंवाई इस इंसिडेंट में उनका खसारा कैसे होगा? क्योंकि कोई भी जान कितने भी पैसे हो वो उससे ज़्यादा कीमती होती है। जिन माओं ने अपने बच्चे इसमें गंवा दिए, जिन माओं ने अपने बेटे इसमें गंवा दिए, उनका अजाला 1 करोड़ रुपयों से नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज बहुत कम है, रिलीफ नहीं पहुँचाया जा रहा। सिंध हुकूमत को इस वक्त काफ़ी बैश किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, जो कि बरहक है क्योंकि वो बुरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस में फेल हो चुके हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट सिंध में हुआ है। इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, आग लगती रहती है, और ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध में जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ आज तक 2022 में भी नहीं पहुंच सके हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो रियलाइज करें